I went to the renowned makeup artist, and he came four hours late on my wedding day. He blocked me. This is not good. It's so unprofessional. It's going to be a very long video. You guys have to grab something to eat, and also I have my mic right here. मैं यहां पे कभी that you can clearly hear what I'm about to say. Okay, so let's begin. Alright, hi guys, welcome back to my channel. Oh my god, I'm finally doing this video. If you guys don't know, I am Shohini Chanda. I'm a small YouTuber from Kolkata and also an content creator on Instagram. So I don't have much followers like a lot of people, but yeah, I'm doing my best and I am Following my passion, which is makeup, and what I know, I like to share that with you guys. Yes, I do some promotion videos because if I don't, I won't be able to, you know, do anything in life, which is I won't be able to afford new makeup, I won't be able to afford food or anything. So easily sponsored videos, but 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 the thing is today we are not gonna talk about these things, we are gonna talk about my wedding day. Alright. सो so, स्टार्ट आज का वीडियो ना मैं हिंदी इंग्लिश बंगाली सब में करने वाली हूँ इट्स नॉट ग बी अ वन लैंग्वेज वीडियो एंड ऑल्सो मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो मैं ज़्यादा एडिट ना करूँ क्योंकि आप लोगों को पूरा सच जानना बहुत जरूरी है नाउ दिस यू ऑलरेडी नो बाय द टाइटल एंड द थंबनेल। आई एम गोना टॉक अबाउट माय मेकअप आर्टिस्ट नाउ जो मुझे बताना था वो कि आई एक्चुअली फिल्म दिस वीडियो अ वाइल्ड बैग आई थिंक इन जानवरी इट्सेल्फ जब मैंने अगर आपने नहीं देखा है मैंने एक मेकअप प्रोडक्ट्स पीछे गॉट फॉर माई वेडिंग वाला एक वीडियो किया था उस पर इंट्रोडक्शन पर मैंने बहुत कुछ बोला था बट एडिट करने के टाइम I was not well and I thought, you know what, let's just skip it, let's not share it. And मैंने वो पार्ट डिलीट करके मैंने सिर्फ जो जो लिया है मैंने वो शेयर किया था And um I was like when I was well, I was like, you know what? I have to talk to you guys about this situation which I went through. And I don't want ki koibi this situation. And uh I posted a picture on Instagram right here. I'm gonna post every detail of it. Okay, every detail. Okay, every detail over here and here you're gonna see everything today. तो तभी भी बहुत जन ने मेरे को रीच आउट किया मेरे को बोला दैट दे हैव एक्सपीरियंस द सेम सिचुएशन बट फिर भी मैंने डिले किया नाउ राइट नाउ मैंने आज एक स्टोरी पोस्ट किया था अबाउट दैट थिंक मेरा मेकअप आर्टिस्ट नहीं आया एंड लॉर्ड ऑफ यू गाइज वॉन्ट टू नो द होल स्टोरी सो एम गॉन अ स्टार्ट फ्रॉम द वेरी वेरी बिगिनिंग एंड यू हैव एंड यू गाइज हैव टू हियर इट ऑल ओके सो सेप्टेम्बर में मेरा पाका कॉथा हुआ था पाका कॉथा इज़ वैन बोथ द फैमिली डिसाइड्स अ डेट एंड दे अग्री दैट दिस पीपल आर गॉन गेट मैरिड सो दैट इज़ पाका कॉथा इन बेंगाली सो जब हुआ था उसके बाद आई वॉज लाइक कि शादी के दिन मेकअप तो मुझे ही करना पड़ेगा एंड आई रियली वॉन्टेड टू डू इट ओके बट मुझेयर नहीं आता है उतना सुंदर एंड आई वॉज सर्चिंग फॉर अ नाइस मेकअप आर्टिस्ट जो मेरा हेयर करे आई मीन हेयर स्टाइलिस्ट फिर मुझे ऐसा लगा यू नो वॉट लेट्स लेट्स बुक अ मेकअप आर्टिस्ट क्योंकि मुझे उस दिन टेंशन नहीं चाहिए तो मैंने बहुत ढूंढा लाइक आई सर्च अ लॉट एंड देन आई केम अक्रॉस राजीव भोमिक नाउ आई नो हिम सिंस मैनी ईयर्स नॉट मैनी ईयर्स टू थ्री ईयर्स मे बी एंड मैं उसके इंस्टाग्राम को फॉलो करती हूँ वो मेरे को फॉलो करता है आई नो हिस वॉक इज़ वेरी नाइज पिक्चर में बहुत सुंदर लगता है um, तो आई विज लाइक मैंने बहुत जन को अप्रोच किया था कि uh, प्राइस क्या है ओबियसली आई एम गो नाट टॉक अबाउट प्राइस ऑफ कोर्स तो um, बहुत जन ने बहुत कोटेशन किया मैंने आई आस्क राजीव ही सेट ट्वेंटी फाइव थाउजेंड एंड आई लाइक यू नो वॉट ही इज़ वेरी गुड एट इट बहुत जन का मेकअप किया है आई रियली लाइक हिस वर्क आई लेट मी जस्ट बुक हिम सो आई टोल्ड हिम दैट या कन्फर्म है बुकिंग हाउ मच डू आई हैव टू पे सो ही चार्ज ट्वेंटी फाइव थाउजेंड फॉर वन डे ओबियसली दैट्स डिसेंट आई वुड से बिकॉज ही इज गोइंग टू यूज ऑल द यू नो पॉपुलर expensive products on my face and I was like मैंने थोड़ा सा भी बार्गेन नहीं किया था क्योंकि कोई मेरे काम पर bargain करता है मुझे बहुत बुरा लगता है and I have done bridal looks um, bridal looks bridal क्या मैं बोलूँ मैंने बहुत जन का मेकअप किया है आई हैव डन मेकअप फॉर फ्यू पीपल लाइक एक्चुअली वेडिंग मेकअप रिसेप्शन लुक एंड एवरी थिंग आई रिमेंबर मैं एक बजे से लेट हुई थी इट वॉज़ हाफ एन आवर टू वन आवर आई कॉल्ड हर अप आई टोल्ड हर एवरी थिंग क्योंकि वो ऊबर का कुछ प्रॉब्लम था उसका भी एक वीडियो मैंने डाला है बहुत पुराना है जाके देख सकते हो एनी वे सो मैं बार्गेन नहीं की हूँ उसने जितना बोला है मैंने उस पर बुकिंग कर दिया है एंड आई ऑल्सो वेंट टू अदर मेकअप आर्टिस्ट जिसने उससे कम भी बोला था तो अगर मेरा मन होता तो मैं कम पे जाती बट दैट वॉज नॉट माई थिंग मुझे कम नहीं करना था क्योंकि ऑब्वियसली एक जन का काम है इफ़ ही इज चार्जिंग दैट मच ही इज़ गॉन अयर राइट और राइट सो ऐसा हुआ आई एम गोना शेयर दिस द स्क्रीन शॉट कि मैंने किस दिन उसको बुकिंग के लिए अमाउंट भेजा था सो ट्वेंटी फाइव थाउजेंड वॉज द फुल अमाउंट सो फॉर बुकिंग आई स्पेंड आई सेंट हिम ट्वेल्व थाउजेंड रुपीज ऑन ट्वेंटी फोर्थ अगस्त बारह बज के पचास मिनट विच इज़ आई थिंक मॉर्निंग के टाइम ही होगा मैंने उसको पैसा भेज दिया आई थिंक उसकी मम्मी के अकाउंट होगा इसम आई एम नॉट ग शेयर मम्मी का अकाउंट आई एम गोना शेयर की मैंने भेजा है मेकअप आर्टिस्ट एडवांस बोल के सो so, मैंने उसको भेज दिया आई वॉज रिलीव तो इसी बीच में आई थिंक uh, मेरे ससुराल वाले दे न्यू देट आई आई वॉज़ इन टू मेकअप एंड दे रियली लव माई वीडियोज़ एंड एवरी थिंग उन्होंने मेरे को बोला था कि शोइनी तुम खुद से कर लो इट्स वेरी नाइस वॉट यूर डूइंग इट्स वेरी गुड सो वाई डोंट यू डू इट बाई योर सेल्फ तो मैंने राजीव को फ़ोन किया मैंने उसको बोला कि मेरे घर वाले ऐसे ऐसे बोल रहे हैं नॉट 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 माई ससुराल ओनली इवन माई फ्रेंड्स इवन माई फैमिली दे वर लाइक यू डू योर मेकअप तुम खुद का मेकअप कर लो क्यों किसी और को बुक कर रही हो एंड एवरी थिंग तो मैंने बोला कि मुझे उस दिन टेंशन नहीं चाहिए कि मुझे अच्छा दिखना है मुझे थोड़ा रिलैक्स करना है तो इसलिए एंड इफ समबडी इज़ डूइंग मेकअप ऑन योर फेस इट्स वेरी रिलैक्सिंग इफ यू डोंट नो इट्स वेरी रिलैक्सिंग सो मैंने उस दिन उन्होंने को बोला फिर भी मैंने राजीव को बोला कि राजीव आई uh, थिंक मुझे बेस खुद से करना है और मे बी आई मेकअप एंड ही वॉज़ लिटिल कन्फ्यूज कि दीदी आप क्या बोल रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा थे तो मैं भी सोचने लगी कि क्या हो रहा है लाइक वाई आई एम थिंकिंग सो मच क्योंकि ये मेरा डिसीजन है कोई और क्यों बदल सकता है फिर भी ये बहुत हो रहा था सो आफ्टर फ्यू डेज़ ओके मैं डेट चेक कर लेती हूँ उसका दिस इज़ एटीनथ ऑफ अक्टूबर उसने मेरे को कॉल किया दीदी माई फोन ब्रोक एंड आई नीड सम मनी सो so, आपने एडवांस दे दिया है लेकिन मुझे और थोड़ा पैसा चाहिए आप मेरे को आठ हज़ार जी पे कर दोगे क्योंकि मुझे न्यू फ़ोन ख़रीदना है एंड मेरे पास अभी थोड़ा शॉर्टेज है एंड एवरीथिंग सॉरी आई एम यूजिंग ऑल दिस डिटेल्स बिकॉज आई थिंक इट्स वेरी मच नीडेड क्योंकि बहुत जन के साथ ये हुआ है ओके okay? बहुत जन के साथ ये पर्टिकुलर रीज़न हुआ है कि उसका फ़ोन टूटा है ये वो ब्ला 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 लॉट्स ऑफ थिंग्स हैपेंड ना मैंने उसको बोला कि मेरा तेरह हज़ार बाकी है सो so, मैं आठ हज़ार दूँगी फिर बाद में पाँच हज़ार ऐसे नहीं चलता तो मैं तुमको पूरा पे कर देती हूँ बिकॉज ऑब्वियसली आई ट्रस्ट यू तो मैंने उसको उस दिन थर्टीन थाउजेंड पे कर दिया विच इज़ डन एडवास फुल पेमेंट इज डन एडवांस एंड ऑल्सो फुल पेमेंट इज डन ऑन दैट डे एटीन अक्टूबर शादी था एट डिसम्बर को बाद भी हो गया था तीन से साढ़े तीन बजे तक कम टू माई होटल मैं होटल से इवेंट में जाने वाली थी सो so, ये बात कंप्लीट हो चुका था लेकिन इस बीच बिकॉज uh, लड़के वाले के तरफ से यू नो सब मेकअप गिफ्ट्स देना पड़ता है लड़की के uh, घर पे, तो आई वाज वेरी टेंस कि मुझे क्या मेकअप चाहिए सो आई कॉल्ड राजीव सेवरल टाइम्स एंड सेवरल टाइम्स ही हेल्प मी आउट नाउ मैंने उसको बार बार पूछती रही कि मैं क्या लूँ सजेस्ट मी फ्यू प्रोडक्ट्स क्योंकि मुझे खरीदना है मेकअप uh, वो लड़के वाले देने वाले हैं एंड ही हेल्प मी आउट थ्रू आउट द टाइम एंड ही सजेस्टेड मी फाउंडेशन ही सजेस्टेड मी पाउडर विच इज़ हुडा ब्यूटी ही ऑल्सो सजेस्टेड मी ए बी एच फाउंडेशन फॉर ब्राइट्स आई डोंट नो वाई It's good foundation, it's luminous and everything, but it's not waterproof. Philby uh, spend spent 4,000 on a foundation, and when I tried it, I was like, What the hell did I do? Like I spent 4,000 on this foundation stay in And um, anyway, then I again went and bought Charlotte Tilbury and a lot of things, like a lot of makeup I have bought. and um, yes he helped me out throughout the time whenever I asked him he was there he told me कि दीदी आप ये लो ये वाला shade अच्छा जाएगा he knew he is a makeup artist I am a content creator so there's two different people right here okay तो मैं नहीं बोलूँगी कि उसने मदद नहीं किया है he helped me out जो भी है now let's come on the day of wedding नाउ आई थिंक बिफोर द डे ऑफ वेडिंग मैंने उसको बोला था कि हिमाद्री भी रेडी होने वाली है ऐसा कुछ तो मैंने उसको बोल के भी रखा था बट एनी थिंग ही वॉज सपोज टू कम बाई थ्री टू थ्री थर्टी तो मेरा ये प्लान था क्योंकि हम लोग के बंगाली में हलूद जो होता है ग, गाय हलूद उसको हल्दी बोलते हैं ओबियसली हिंदी में हल्दी सुबह होता है एंड शाम को शादी तो मेरा हल्दी सुबह था मेरा और एक uh, पूजा भी था सुबह आई थिंक नानीमुख बोलते हैं नानीमुख और समथिंग लाइक दैट वो पूजा के बाद आई गॉट रेडी फॉर हल्दी ना हल्दी में मैंने कुछ मेकअप नहीं किया जस्ट मस्कारा ब्लश लिपस्टिक एंड ब्राउज डन एंड लॉर्ड ऑफ आई थिंक हाईलाइटर्स हैव यूज एंड रेसिपी मेक ग्लोबी कर रही थी एनी anyway, सो so, um, ये था uh, हल्दी का ओके हल्दी के बाद आई वॉज सपोज टू लीव माई हाउस बाई वन लेकिन ओब्वियसली टाइम का इधर उधर होता है सो आई लेफ्ट माई हाउस अराउंड वन थर्टी नाउ आई थिंक इट वॉज़ वन थर्टी टू वन थर्टी फाइव और वन फोर्टी वन थर्टी टू वन फोर्टी के बीच में आई वॉज अबाउट टू लीव माई हाउस टू गो ओके मेरा घर बहुत दूर है जहाँ होटल है ठीक है होटल वॉज़

लेकिन मैं अगर अभी जा, आ जाता हूँ तो मैंने बोला वही कि अगर मैं नहीं पहुँचूँगी तो तुम आके क्या करोगे सो कम एट थ्री ओनली थ्री टू थ्री थर्टी अभी डेढ़ दो बजे आके तुम क्या करोगे वहाँ पे बैठे रहोगे सो आई हिम प्लीज़ बी ऑन टाइम बी इट थ्री ओके थ्री टू थ्री थर्टी मैंने फिर भी साढ़े तीन बजे होप करके रखी थी वो पहुँच जाएगा So I went there, I reached the venue at, um, I mean the hotel at 3, 5, I guess. Yes. And I was sitting there, I was calling him and he was like, I will be little late, but don't worry, my hair stylist, assistant wo hair cut hair, hair and sari drip, he will be there within half an hour. तो तब तीन दस पंद्रह हो रहा था तो मैंने सोचा ठीक है हाफ एन आवर तो नॉर्मल है चार बजे तक भी आ जाए वही अच्छा है सो आई वॉज नॉट वेटिंग इन माई रूम माई रूम वॉज एमटी क्योंकि मुझे अकेला नहीं छोड़ा गया था किसी ने यू आर नॉट सपोज टू लीव द ब्राइड अलोन सब बोलते हैं मेरे ब्राइड्स ने ब्राइड्स मेड्स ने तो यही बोला था एनी वे सो आई वॉज देयर विद टेम इन देयर रूम एंड आई वेटेड लाइक like, मैं ऐसे परी हुई थी क्योंकि मुझे कुछ करने का मन नहीं कर रहा था एंड आई वेटेड फॉर आई थिंक एन आर साढ़े तीन बजे रूम चेक इन हुआ फिर एक घंटा आई वेटेड एंड टू ऑफ देम केम असिस्टेंट है उनका दोनों आए एंड दोनों वाज लाइक कि राजीवता विल कम वेरी सोन uh, मैं तब तक आपका हेयर एंड साड़ी वगैरह कर देता हूँ एंड आई वॉज लाइक ठीक है ठीक है कोई बात नहीं हाफ हो जाने से फिर भी बेटर है क्योंकि मुझे छः बजे व... इवेंट के जगह वेन्यू पे पहुंचना था छः बजे छः का साढ़े छः भी चलता है यू you नो know? तो मैं गई दे डिड माई हेयर साड़ी भी जो मुझे चाहिए था जैसे चाहिए था उन्होंने पहना दिया दे वेर वेरी स्वीट दे वेर वेरी वेरी सॉफ्ट स्पोकन वेरी गुड पीपल आई वुड से एंड सब होने के बाद इट वॉज़ फाइव थर्टी फाइव आई रिमेंबर दे वेंट टू द अदर रूम क्योंकि मुझे मेरे सारे दोस्त को मेरी मम्मी को मेरी दीदी को रेडी होना था उनसे ही मैंने आई थिंक राजीव के साथ वो बात करके रखी थी कि बहुत जल्द रेडी होने वाले हैं उसका एक्स्ट्रा चार्जेस डेफिनेटली आई विल गिव तो ये हुआ सो आई स्टार्टेड कॉलिंग हिम यू नो राजीव को इट्स फाइव थर्टी फाइव ऑलरेडी वेर आर यू एक बार फ़ोन बजा नो no रिसीव्ड नो वन रिसीव्ड। फिर मैंने दूसरा बार कॉल किया फ़ोन रिंग होके कट जा रहा है मैं बार बार करती रही फ़ोन रिंग होके कट जा रहा है एंड उसी बीच में पापा ने मेरे को फ़ोन किया एंड ही वॉज़ लाइक मेरा कुर्ता का है लाइक ही वॉज सपोज टू वेयर अ नाइस पंजाबी एंड एवरी थिंग विथ शूज़ एंड ही वॉज लाइक वो का है तुम्हारे पास तो so मैंने बोला ओब्वियसली नहीं वो जो सूटकेस है उसके अंदर है आपका सूटकेस के अंदर एंड ही वॉज लाइक यहाँ पर तो कोई सूटकेस है ही नहीं हो गया लेट और पापा का भी सो ही फोर गॉड ही सूट केस जिसपे पापा का uh, पंजाबी पायजामा शूज़ था वो घर पे भूल चुके हैं एंड आई लाइक वॉट इज़ हैपनिंग यू गाइज यू हैव नो आइडिया जब ऐसे होता है तो क्या होता है इट्स ऑलरेडी पौने छः बज चुका है छः बजे सब आने वाले हैं साढ़े छः बजे तक मेरे जो बारात है मेरा जो बारात है वो आने वाला है लड़का वाले आने वाले हैं एंड माई डैड वॉज लाइक मैं अभी घर जाऊँगा डेढ़ घंटा और एट दिसंबर वॉज द पीक डे ऑफ गेटिंग मैरिड एंड देर वॉर सो मैनी वेडिंग्स आउट देर क्योंकि मुझे पता है वेडिंग वेन्यू जब मैं सर्च कर रही थी कहीं पे भी नहीं मिल रहा था बिकॉज क्योंकि बहुत सारा वेडिंग है एंड मैंने ये बात राजीव को बोल के रखी थी कि बहुत वेडिंग्स है डोंट बिले तो इस बीच में पापा का भी ये हुआ तो द क्लोजेस्ट स्टोर फॉर मानियावर वॉज सिटी सेंटर टू सो ही टुक अ कार ही वेन देर ही बॉट एन अदर पंजाबी एंड शू ही केम बैक गॉड रेडी एंड वेन टू द वेन्यू वो पापा आई थिंक सात बजे तक वेन्यू पहुँच गए थे या yeah, सात तो बच ही चुका होगा आई एम गारंटिंग यू तो इसी बीच मेरा तो सर चकरा रहा था आई वॉज़ हैविंग कॉफी पे कॉफ़ी चाय पे चाय आई वॉज जस्ट हैविंग ऑल ऑफ दैट बिकॉज आई एम नॉट सपोज टू ईट फूड दैट डे एंड कॉफ़ी चाय चलता है क्योंकि ऑब्वियसली मैं नहीं पीती तो मैं नहीं रहती यहाँ पे आप लोग के सामने बैठी नहीं रहती सो so, मैंने uh, हिमाद्री को बोल के रखी थी कि हिमाद्री छः बजे तक आई विल बी रेडी फिर भी साढ़े छः हो सकता है यू मस्ट गेट रेडी क्विकली वो साढ़े छः बजे फ़ोन करती है कि आई एम रेडी एंड आई वाज लाइक मेकअप आर्टिस्ट नहीं आया है शी वॉज लाइक वॉट हेल वो दौड़ी दौड़ी आई मेरे पास एंड शी वॉज लाइक क्या हो रहा है आई एम लाइक आई डोंट नो वॉट्स हैपनिंग तो वो इसी बीच वो मेकअप का रेडी भी हो गई खुद से क्योंकि मेकअप राजीव करने वाला था उसका तो वो साड़ी पहन चुकी थी वो मेकअप भी कर चुकी थी बाद में क्योंकि ऑब्वियसली उसको पता चल गया था कि कोई उसका मेकअप नहीं करने वाला मेरा ही कोई नहीं करने वाला है एंड ऑनेस्टली आई हैड लॉट ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स आई हैड मेकअप विथ मी जो जो मुझे चाहिए होगा मैंने मेरे पास सब था मुझे पता नहीं उस दिन क्या हुआ था आई वॉज़ लाइक मुझे ये प्रोडक्ट्स तो लेके ही जाना पड़ेगा तो मेरे पास सब था बट गाय दैट डे दैट थिंग दैट नर्वसनेस दैट्स माई बिग डे नर्वस तो मैं डेफिनेटली होंगी क्योंकि उस दिन मेरा हाथ काप रहा था मैं कुछ कर ही नहीं पा रही थी आई वॉज पैनिकिंग सो बैड फिर भी क्योंकि मैंने उसको पे किया है अगर मैं स्टार्ट कर दूँ मेकअप वो आके क्या सोचेगा मैं ये सोच रही थी ये नहीं सोच रही थी कि वो लेट आया मुझे उसको डांटना पड़ेगा ये वो फिर भी आई वेटेड टिल सेवन फिफ्टीन क्योंकि ओबियसली नहीं हो रहा था मेरे से मेकअप किया जा रहा रह था मैं नहीं कर पा रही थी उस दिन आई वॉज सो नर्वस क्योंकि एक के बाद एक लेट फिर सामान भूलाना ये सब मेरे दिमाग में इट वॉज लाइक टू मच फॉर मी दैट डे एंड इवन आई एम गेटिंग गुजबाम कि मैंने कैसे उस दिन खुद को हैंडल किया मैंने रोया नहीं क्योंकि मैं बहुत इमोशनल हूँ एंड स्ट्रेस में भी मुझे रोना आता है लेकिन मैंने उस दिन I was panicking but I did not cry and later on साढ़े छः बजे तक लड़का भी शादी के लिए आ गया है जहाँ पर लड़का लेट होता है लड़का साढ़े छः बजे उसको साढ़े छः बजे टाइम दिया था वो साढ़े छः बजे वेन्यू पर था उसके घर वाले आ चुके थे आई वॉज रेडी मैं कहीं दूर होटल में रूम में बैठी पैनिक कर रही हूँ कि मेरा क्या होगा फिर मैंने शायन को बताया फ़ोन पे कि ये नहीं आया एंड ही वॉज लाइक चिल नथिंग टू वॉरी टेक यूर टाइम गेट रेडी कम मैं यहीं पर रुकने वाला हूँ मैं कहीं नहीं भागने वाला सो ही वॉज़ वेरी काम ही वॉज सो पेशेंट आउट देयर एंड मैं वहाँ पर पैनिक के पागलों जा रही थी साथ बज चुका था आई वॉज लाइक हिमाद्री अगेन केम आई इज़ लाइक हिमादरी कॉल हिम हीज ही हैज़ ब्लॉक्ड मी हिमादरी ने कॉल किया एक बार फ़ोन पूरा बिजी आया उसके बाद और एक बार फ़ोन किया पूरा फ़ोन बच चुका था एंड नेक्स्ट टाइम जब वो कॉल करी थी फ़ोन रिंग होके कट जा रहा था कट नहीं जा रहा था बोल रहा था बिजी जो ब्लॉक में बोलते सो हिमाद्री का फ़ोन भी ब्लॉक हो चुका था देन आई टोल्ड माई अनादर फ्रेंड अनिशा वो रूम पे रेडी हो रही थी मैंने उसको फ़ोन किया मैंने बोला राजीव हैज़ ब्लॉक्ड मी इवन हिमादरी कॉल हिम टेल हीम दैट आई एम स्टिल वेटिंग फॉर हिम उसने फ़ोन किया उसका भी फ़ोन पूरा रिंग हो गया नहीं रिंग नहीं हुआ था उसका फ़ोन आई थिंक पूरा बिजी 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 था एंड उसके बाद पापा ने कॉल किया पापा वॉज लाइक कि ऐसे कैसे हो रहा है लाइक जस्ट गेट रेडी तुम्हारे पास है जो भी है जैसे भी हो गेट रेडी कम हेयर सब आ चुके हैं घर वाले सब आ चुके हैं यू नो मेरे घर वाले फिर भी प्रॉब्लम नहीं था लड़का वाला आ चुका है लड़का वाला वाई विल दे वेट एंड हमेशा ऐसा होता है कि लड़की वेट करती है लड़का आता है इस टाइम मेरे में लड़का वेट किया एंड लड़के बहुत बाद में आए अभी तो बहुत मज़ा आ रहा है बोलने में लेकिन उस दिन मुझे पता है मेरा हालत क्या हो रहा था एंड आई नो यू गाइज़ यू गाइज हैव फेस दिस सेम सिचुएशन विथ हेम एंड आम टेकिंग दिस स्टेप एंड टेलिंग यू गायज अबाउट वॉट हैपन एंड आई वॉन्ट यू गाइज टू सपोर्ट मी जो भी जिसके साथ भी ऐसा हुआ है जस्ट कमेंट कि ऐसा होता है एंड उसके साथ ही पता नहीं क्यों ऐसे होता है सो so एनीवे anyway, um, साथ जब बात चुका था आई वाज लाइक हिमाद्री मुझे रेडी होना ही पड़ेगा अभी बिकॉज़ अगर अभी नहीं रेडी हुई तो मेरा शादी तो कैंसिल है डेफिनेटली क्योंकि आठ बजे साढ़े सात या आठ बजे तक लॉकनो था लॉकनो मतलब बंगाली में बोलते हैं द रिचुअल विल स्टार्ट एट दैट टाइम ओके okay? क्योंकि उसके पहले मुझे आशीर्वाद के लिए भी बैठना था उसके बाद लड़कों का भी कुछ रिचुअल्स होता है ये वो बहुत सारा बहुत कुछ था जो कि साढ़े सात बजे से शुरू हो जाने वाला था देन आई स्टार्टेड गेटिंग रेडी मेकअप पूरा बाहर रखा हिमाद्री को मैंने बोला कि पता नहीं मैं क्या करने वाली हूँ जस्ट टॉक मी थ्रू इट क्योंकि मैं बहुत नर्वस हूँ एंड यू वोट बिलीव श्यूज थ्रू आउट द टाइम हेल्पिंग मी आउट ये सामने दे रही है वो दे रही है मुझे बता रही है कि श्वेनी ऐसे कर ये मिक्स कर वो मिक्स कर क्योंकि मेरे दिमाग में तब पूरा ब्लैंक हो चुका था बिकॉज़ आई वॉज थिंकिंग कि ये शादी कैंसिल हो जाएगा एंड um, उसके बाद आई एम गॉन अ पोस्ट

अभी मेरे को आता है जिन लोगों को नहीं आता उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो जाती है दिस मेकअप आर्टिस्ट दे टेक फुल मनी एंड दे डोंट कम ही इज नॉट रिसिविंग माई कॉल उसने मेरे को नंबर पे ब्लॉक कर चुका है वो हमें ब्लॉक कर दी थे और वो से ना लिटरली सो सैड सैड एंड पेमेंट यस तो हम लोग जल्दी से कम्प्लीट करके वेन्यू पहुंचते फिर दिखाएंगे क्या होता है तो so, बात ये हुई है दैट मेकअप आर्टिस्ट डिस्ट अस एंड लकीली वी नो हाउ टू डू अ मेकअप सोचो जस्ट इमेजिन सम्बरी हु इज नॉट गुड एट डूइंग मेकअप कोई भी पागल हो जाएगा यार मैं तो फेंट भी हो जाती अगर मैं होती तो बट शी इज बींग वेरी स्ट्रांग आई एम प्राउड ऑफ हर एंड हम कर लेंगे आई नो हम कर लेंगे तो हम कर रहे हैं मेकअप I'm helping her, um, you know, sorting out products. I don't know what suits her skin, so it's another experiment. I'm gonna try to mess things, but I'm just trying to be helpful here. Yes. Yay. So in this video, you saw I started doing my base. Um, then at 7:30, he called me and he was like, "Didi, I'm here. Room ta door एंड यू वन बिलीव मैं उसको कुछ बोल ही नहीं पाई क्योंकि मैं दिमाग से पूरा ब्लैंक थी मैं उसके ऊपर क्या चिल्लाऊ मुझे समझ में नहीं आ रहा था मुझे तब एक ही था मुझे वेन्यू पहुँचना है जैसे भी मुझे वेन्यू तो पहुँचना ही पड़ेगा अभी ही वॉज लाइक एक्टू लेट होएगा लो एंड ऑल ऑफ दैट आई डिट गिव अ डैम अबाउट वॉट ही वॉज सेंग हिमाद्री भी चुप वो सोच रही है मैं कुछ बोल क्यों नहीं रही हूँ बिकॉज पता नहीं मेरे में आया नहीं उतना गुस्सा जो भी था आई वॉज लाइक मैं पूरा चबा के उसको दबा दी कि मुझे अभी कुछ नहीं बोलना उसको वो आ गया है लेट जस्ट कम्प्लीट इट तो ही स्टार्टेड डूइंग माय मेकअप एंड एवरीथिंग आई नो मेरे जगह कोई और होता तो वो भी करने नहीं देता लेकिन फिर भी आई वॉज़ सो नर्वस आई वॉज़ सो ब्लैंक आई वाज सो पैनिकिंग दैट मुझे और कुछ सूझा नहीं न आई रिमेंबर वो कर रहा था मेकअप ही वॉज़ आस्किंग मी थ्रू आउट द प्रोसेस ठीक लग रहा है ये लग रहा है वो लग रहा है आई मेकअप आई ऑलवेज वॉन्टेड समथिंग एल्स एंड वॉट ही डिड इज वेरी डिफरेंट वॉट आई वॉन्टेड एंड मैंने उसको बोला मुझे और थोड़ा ग्लीटर चाहिए एंड like, ही वॉज लाइक दीदी ये अच्छा लग रहा है गाइज आप मेकअप आर्टिस्ट हो आपका ब्राइड है ये जब ब्राइड कुछ बोलती है उसको सुना करो डोंट थोपो योर ओपिनियन वी डोंट वॉन्ट दैट ओके आई नो दिस पीपल आई डोंट नो वाई मैं भी करती हूँ मेकअप किसी और के ऊपर मैं कर चुकी हूँ एंड आई वॉन्ट कि मेरा ब्राइट क्या चाहता है मेरे से नॉट मैं क्या चाहती हूँ उसके ऊपर राइट जो भी है मेरा जो एक विशन था आई मेकअप का इट वॉज नॉट लाइक दैट मैं बोल भी नहीं पा रही थी क्योंकि टाइम नहीं था अगर मैं बोलती तो और ज्यादा लेट होता एंड माई ब्रदर के मैड ही वॉट एवर इट इज तू चल अभी बहुत सब आ गए हैं बहुत देर से वेट करे। like only, like, कर रहे हैं ही वॉज रेडी टू टेक मी लाइक दैट ओनली नॉट विदाउट जस्ट मेकअप ही वॉज लाइक करना नहीं पड़ेगा बहुत मेकअप कर लेना बाद में लेकिन अभी तू चल आई वॉज लाइक दादा लेट मी कम्प्लीट इट जा होय तो सिनेमा चलो ना आज तो मेरे दबो अरे उड़ा मेरे दे बेबा सायन आगे चले से यार मैं कर लेती उस दिन अपना मेकअप पता नहीं क्यों मैंने उसको बुक किया मैंने अपना बिग डे रुइन किया क्योंकि ऑब्वियसली मुझे था मैं छः बजे से वहाँ पे बैठी रहूँगी ही विल कम एवरीथिंग इज़ गोना बी ऑन टाइम एंड एवरीथिंग बट कुछ टाइम पे नहीं हुआ एंड मैं सबको बोल रही थी शादी के पहले कि बी ऑन टाइम लेट नहीं होना एंड फाइनली मैं खुद लेट पहुँची उसके बाद ही वॉज डूइंग कॉलका विच वॉज सो सिंपल जस्ट लिटल डॉट्स एंड ही ऑल्सो रूइंग दैट थोड़ा टेढ़ा बेका हो गया था जब मैंने उसको बोला वो बोलता है पता नहीं चलेगा मैंने फिर पिक्चर क्लिक करवाया देखा मैंने सोचा कि ठीक है अभी उसको पूछने बोलूँगी और टाइम वेस्ट होगा जो भी है कर लो करना है कर लो

आया मेकअप आर्टिस्ट मैं आ जाऊँ क्योंकि उन लोगों को भी पिक्चर्स क्लिक करवाना था बाद में जो भी है जब वो कॉल का हो रहा था दे के मेन दे वज क्लिकिंग फ्यू पिक्चर्स जब बारी आई यू uh, नो you know, दुपट्टा, द वेल मैंने उसको बोला था मेरा इज़ लाइक थ्री माथापट्टी है मतलब तीन लाइन है मुझे वो दिखाना था उसने यहाँ पे रखा मैंने उसको बहुत बार बोला पीछे लो पीछे लो उसके पास क्लिप नहीं था

इफ़ यू आर अ ब्राइट यू वुड नो कि कैसा स्ट्रेस कैसा एक अजीब सा फीलिंग होता है उस दिन एंड आई वॉज़ फीलिंग सो मैनी थिंग्स एक साथ जो भी हो जैसे भी हो आई गॉट रेडी बाई नाइन एंड आई थिंक सारे जो मेरे फ्रेंड्स थे उन लोगों का भी मेकअप चल रहा था उनका भी ख़त्म नहीं हुआ था एंड ही वॉज़ लाइक कि दीदी पेमेंट एंड वज लाइक वॉट पेमेंट कि जो लोग ने सजा है साइड उसका पेमेंट साइडर्स का पेमेंट एंड आई वाज लाइक राजीव आई एम वे टू लेट मैं कल तुमको पेमेंट कर देती हूँ राइट नाउ आई हैव टू लीव ही सैड डाउन ही वॉज़ लाइक नहीं मैं पेमेंट पेमें के बिना तो नहीं जाऊँगा आई वॉज लाइक आई ट्रस्टेड यू मैं इतना देर वेट की दैट यू विल डू माई मेकअप एंड यू कैन इवन ट्रस्ट मी कि मैं तुमको पेमेंट कर दूँगी जो भी है मैंने जैसे भी उसको बोला मेरे भैया ने भी बोला दिस इज़ वे टू लेट फॉर अ ब्राइट टू अराइव एंड आफ्टर दैट आई डिट क्लिक फ्यू पिक्चर्स मुझे बहुत पिक्चर्स क्लिक करवाना था आफ्टर द मेकअप लेकिन टाइम नहीं था तो मैंने एक दो लिया एंड uh, वहाँ पे देर वॉज अ सिगरेट एंड आई पोज विथ अ सिगरेट ओके

आई टोल्ड हिम कि ये शेयर मत करना फिर भी मन मन में था कि ये तो शेयर तो ज़रूर करने वाला है आई नो दैट नहीं तो तू क्यों लेगा पिक्चर मैं अपने खुद के लिए ये पिक्चर ले रही हूँ जो सबको पता है घर वालों को हम लोग नहीं दिखाने वाले हैं लेकिन फिर भी ही क्लिक द पिक्चर जस्ट बिकॉज ही वॉन्टेड टू एक्सपोज मी जो अभी तक उसने शेयर नहीं किया है बट आई थिंक ही इज गॉन अ शेयर इट जो भी हो आई डोंट आई रियली डोंट गिव अ डैम अबाउट दैट सो उसके बाद मैं गई शादी के वहाँ पे मैं जाके देखी कि मेरे जो ससुराल वाले थे देवे लाइक ऐसे मुझे देख रहे एंड आई लाइक मैं क्या करूँ बट ऑनेस्टली मैं एक बात बोलना चाहती हूँ माई हजबेंड वॉज सो 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 पेशेंट एंड सो स्वीट एवरी टाइम ही कॉल्ड हिम ही वॉज़ लाइक कामिंग मी डाउन ही वॉज लाइक सब आ गए हैं लेकिन ठीक है तू रेडी हो ले यू गेट रेडी यू टेक योर टाइम एंड हीयर चिलिंग ऐसे ऐसे ही स्टार्टेड टॉकिंग एंड ही कॉल मी आई थिंक फोर टू फाइव टाइम्स ड्यूरिंग दट टाइम टू जस्ट काम मी डाउन एंड आई वॉज़ लाइक सब पापा मम्मी सब क्या गुस्से में है एंड ही वॉज लाइक हाँ है लेकिन फिर भी चल जाएगा डोंट वरी अबाउट इट तो मैं गई ऑब्वियसली मैंने ये सब देखा उसके बाद रिचुअल स्टार्ट हो गया क्योंकि मैं लेट पहुँची थी रिचुअल बहुत जल्दी जल्दी होने वाला था बहुत जल्दी क्विक छोटा सा रिचुअल करके शादी हुआ है वेरी क्विकली एंड मेरे को तो सब काम डाउन करने के लिए ये बोल रहे थे थैंक गॉड तो लेट हुई है नहीं तो यहाँ पे ही बैठी रहती तो जो भी है दिस वाज लाइक लिटल थिंग्स दे सेइंग टू टम मी डाउन उस टाइम भी मैं बहुत पैनिक कर रही थी गाइस वहाँ पे बैठे भी बट देन व्हेन आई सैट ऑन द वेडिंग के मंडप पे आई लाइक

आई कॉन्ट क्राई लाइक दिस मेरे पापा मम्मी बहुत रोए थे एंड मुझे रोना इसी बात पर आ रहा था कि वो लोग क्यों रो रहे हैं तो मैं किसी को देखती हूँ ना रोते हुए मैं खुद रोती हूँ बट आई वॉज़ वेरी वेरी इमोशनल जस्ट बिकॉज ऑफ डॉलर बिकॉज आई न्यू मैं रोज़ उसको देख तो नहीं पाऊँगी मैं उसको रोज यू नो झे नहीं दे पाऊँगी तो दैट्स वाई आई वॉज डेफिनेटली क्राइंग जो भी हो मैं घर गई घर पहुँची मतलब uh, ससुराल के घर पहुँची uh, थोड़ा इंटेंस था माहौल फिर भी दे वेर लाइक वेरी स्वीट एन एवरीथिंग इन द रिसेप्शन डे मॉर्निंग में मैं उठी मैं देखती हूँ हिमाद्री ने कुछ स्टोरीज पोस्ट किया था अबाउट द रिचुअल्स वी वे हैविंग की सिंदूर दान द सा फेरे एन एवरीथिंग राजीव टुक दोज स्टोरीज मेड अ रील एंड पोस्टेड ऑन हिज पेज एवर सो बेस्ड गाइज ही डिनस्कमी कि मैं वो शेयर करूं ओबियसली आई डोंट वांट दैट एंड आई टोल्ड हिम जस्ट रिमूव दैट यू डिन इवन आस्क माय परमिशन बिफोर पोस्टिंग एंड ही वाज लाइक कि मेरा काम है मैं पोस्ट करूंगा तो मैंने बोला कि तुम्हारा काम जितना तुमने किया है जो क्लिप्स तुमने लिया है वो पोस्ट करो यू कैंड पोस्ट अबाउट द रिचुअल्स वॉट माई फ्रेंड इज पोस्टिंग अबाउट दैट ओके तो वो बोलता है कि ही इज़ नॉट गोना डिलीट एंटिल ए नॉलेस आई पे हिम द मनी तो फाइव थाउजेंड समथिंग पेमेंट का अभी भी बाकी था जो कि साइडर्स का मेकअप उसने किया था उसके असिस्टेंट ने तो आई वॉज़ लाइक मैं दे दूंगी दो दिन बाद दे दूंगी अभी शादी के माहौल में हूँ हाउ कैन आई पे लाइक कैसे होगा ही वॉज़ लाइक नहीं तब तक तो मैं डिलीट नहीं करने वाला जब तक पेमेंट नहीं आएगा आई इज़ लाइक यू नो वॉट आई एम सेंडिंग यू द मनी राइट नाउ डिलीट दैट वीडियो मैंने उसको पेमेंट भेजा उसने डिलीट किया एंड द थिंग्स इज सेड आई हैव ऑल द स्क्रीन शॉट्स राइट हियर It was awful. My experience with him is so bad, it's so bad. Like I trusted him, but again. And during this time I want to say Javo mera you know, I make a vagira karata uska or before Narata. Like he had another bride at that time. I don't know her name or anything like that. But he like blocked her. एंड आई थिंक किसी और को भेजा था उसका मेकअप करने um, कोई और लेट करता है तो किसी और को लेट मत करो बिकॉज़ आई वॉज़ इन टाइम मैं तीन से साढ़े तीन बजे वहाँ पर पहुँच गई थी तो तुम मेरे पास क्यों लेट आए हो एक घंटा भी लेट आई कैन स्टिल अंडरस्टैंड क्योंकि कभी कभी लेट हो जाता है एंड लाइक like, चार घंटा लेट तो डेफिनेटली इट वॉज़ वे टू मच यू गाइज यू गाइज नो यू

क्योंकि मेरा माथा पट्टी दिख ही नहीं रहा था मैंने जो वो तीन स्ट्रिंग का माथा पट्टी लिया था वो दिख ही नहीं रहा था पूरा एंटायर पिक्चर्स वीडियोज में तो इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी फॉर मी सो मैं यही बोलना चाहूँगी कि बहुत जने मेरे को रीच आउट किया है एंड दे हैव आक्स मी नॉट टू यू नो टेल देयर नेम बिकॉज लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन बट आई होप पीपल विल

सोचती हूँ कि मैं अगर उसका भी बात सुन लेती तो फिर यू you नो know, मैं बच जाती हूँ उस दिन ओके एंड अनादर थिंग इफ़ यू आर स्टिल बुकिंग हिम इट्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी क्योंकि वो टाइम पे तो कभी नहीं आता है मुझे लगता है एंड uh, वो एडवांस पेमेंट के बाद भी कैसे भी करके आपसे फुल पेमेंट तो ले ही लेगा दैट नोन ओके सो या दैट वॉज द स्टोरी एंड देर आर सो मैनी गुड मेकअप आर्टिस्ट आउट देर जस्ट बुक देम डोंट बी लाइक मी डोंट बी अ फूल बाई बुकिंग हिम एंड आई नो आप लोग बहुत जन हैं उसका ग्रुप आएगा मेरे पे बोलने मेरे पे चढ़ने की क्यों ऐसा किया तुमने क्यों ये वीडियो बनाया अगर मैं नहीं बोलूँगी तो कोई और नहीं बोलेगा यू नो दिस इज इट सो आई हैव टू से आई हैव टू कम आउट आई हैव टू से I went to the renowned makeup artist and he came 4 hours late on my wedding day. He blocked me and I was panicking like hell you guys. And this is not good. It's so unprofessional. So yeah, that is it. That's about the thing. I know a lot of people are uh, you know uh, telling me stories pe abhi ki aapne allow kiya kyunki tab mujhe aur kuch nahin. Like main kya bolti? get out. वो भी बोलने का हिम्मत नहीं था बिकॉज आई वॉज नॉट इन माई माइंड आई वॉज लाइक वेन यू पे हूँ मैं अभी मुझे होना चाहिए मैं यही सोच रही थी कैसे जाओ एंड आई डिड नाट आस्क हिम टू यू नो रिटर्न सम मनी क्योंकि वो नहीं होता है वो ऐसे नहीं बोल सकते हम लोग एटलीस्ट uh, मैं तो नहीं बोल सकती एंड ऑल्सो ही डिड द आई मेकअप मैं उसको क्या ही बोलूँ कि बेस मेकअप का पैसा मुझे दे दे ऐसे नहीं होता है इफ़ यू आर बुकिंग अ मेकअप आर्टिस्ट डू योर रिसर्च बहुत जन से बात करो क्लाइंट से बात करो या दैट्स इट यू गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ यू थिंक इट्स गॉन हेल्प सम मन देन डेफिनेटली शेयर दिस विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड येस मैं क्या बोलूँ लास्ट में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या बोलूँ लिटरली मुझे सुन लेना चाहिए था घर वालों का बात मुझे पता नहीं मैं क्यों नहीं सुनी यू नो डू दिस वीडियो बट देन अगेन ही हैज़ डन दिस टू सो मेनी ब्राइड्स आउट देयर एंड आई डोंट वांट यू टू फेस द सेम सिचुएशन एंड आई होप यू अंडरस्टैंड दैट मैं किसी का प्रोफेशनल लाइफ नहीं खराब करना चाहती हूँ बट फिर भी मुझे ये वीडियो तो करना ही पड़ा एंड आई नो इस वीडियो के बाद हिज गॉन अ कम आउट मे बी शेयर माई सिगरेट वाला पिक्चर मे बी टेल एवरीबडी की मैंने उससे सजेशन लिया था मेकअप का एंड आई डोल्ड यू गाइज यस आई डिड टेक सजेशन ऑफ हिम आई कॉल्ड हिम सेवर टाइम्स एंड जो भी है आप प्रोफेशनल हो आपका काम है ये आपने पैसा लिया है पूरा उसका अगर आप एडवांस भी लेते यू आर सपोज टू बी देर इन टाइम अगर लेट भी होता है एक घंटे से ज़्यादा लेट नहीं हो सकता अगर होता भी है कॉल टेल कि क्या हो रहा है बट यू जस्ट कैन नॉट ब्लॉक समबडी एंड डू सच थिंग्स आई हर्ड कि किसी का शादी के पहले दिन उसने मना ही कर दिया आने का कि उसका फ्लाइट नहीं मिलेगा ये वो कितना सारा स्टोरीज आई हैव हर्ड इट एंड आई वांट यू गाइस टू शेयर योर स्टोरी इन द कमेंट सेक्शन बिलो ताकि लोग जाने अगर हम लोग रिनाउंड मेकअप आर्टिस्ट के पास जाते हैं विद बिग अमाउंट ऑफ फॉलोअर्स तो क्या होता है हाय गाइस सो आई वाज जस्ट एडिटिंग द वीडियो एंड आई सॉ कि मैंने ये पार्ट बोला तो मैं भूली गई पता नहीं कैसे तो राजीव जब मेकअप कर लेता है उसके बाद वो ब्राइट से पूछता है डिड यू लाइक द मेकअप एंड यू नो जस्ट फॉर अ रिव्यू उसने वही किया मेरे साथ तो मैंने रिव्यू पे मैंने यही बोला था कि राजीव लेट आया है दिस इज नॉट डन इट ही वाज वेरी वेरी लेट ही वाज फोर आवर्स लेट मैंने ये सब बोला था रिव्यू वीडियो पे जो उसने कभी डाला ही नहीं उसका हिम्मत ही नहीं है डालने का एंड या uh, yeah, मैंने वो बोला था एंड uh, मैंने ये नहीं बोला था कि मुझे मेकअप अच्छा लगा है क्योंकि वो लास्ट टेन मिनट मेकअप था एंड ऑब्वियसली um, मुझे पसंद नहीं आया है एंड उस टाइम मैं कुछ बोल भी नहीं पाती क्योंकि मुझे वेन्यू पर पहुँचना था कैसे भी करके नहीं तो मेरा शादी नहीं होता सो यह कि पार्ट में बोला भूल गई जो मैंने अभी बोला एंड ऑल्सो लव यू गाइज वॉन्टेड टू नो कि मैंने साड़ी कहाँ से लिया है ज्वेलरी कहाँ से लिया है एंड ऑल द डिटेल्स सो इफ यू गाइज वॉन्ट मी टू डू अन वीडियो ऑफ दैट लेट मी नो गि बाई गिविंग दिस वीडियो ऑफ बिग थम्स अप Thank you guys for watching. I hope to see you guys on my next video. Till then, take care. I love you all. Bye-bye.